लालकुआ पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन कुमार चौहान ने मलिन बस्तियों का दौरा किया और वहां लोगों की समस्याओं को सुना। आपको बता दें, पवन चौहान ने जब आज क्षेत्र में दौरा किया तो अनेक लोगों ने उनका स्वागत करते हुए उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस क्रम में उन्होंने नगीना कॉलोनी, बजरी कंपनी और शाखा फूल के पास लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का वादा किया। पवन चौहान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए सजग है और जो भी समस्याएं लोगों के समक्ष आ रही हैं उनको शीघ्र भाजपा सरकार दूर करेगी। इस अवसर पर उनके साथ अनुसूचित मोर्चा के मंडलाध्यक्ष मनोज कुमार मौर्य भी उपस्थित थे। तो लालकुआ क्षेत्र और इस विधानसभा के लोगों से बहुत नजदीक से जुड़ा हूँ, इसलिए मेरा आना जाना आज ही नहीं हमेशा रहता है और लोग इसलिए मेरे को उम्मीद भी मेरे से करते हैं किसी तरह काम उनका हो। माननीय विधायक जी ने बहुत काम इस विधानसभा में किए और कहीं ना कहीं ऐसा क्षेत्र भी जहाँ छूता रह जाता है। हम विधायक से निवेदन करें, क्योंकि काम तो विधायक नीति विधायक नहीं बांटती है, सारे काम विधायक जी के द्वारा होने हैं। हमारे यहाँ तो वैसे भी एक प्रणाली है, सिस्टम है कि जिसका जो हक बनता है वो उसमें काम करता है। विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा इन लोगों की समस्याओं का जल्दी सोल्यूशन हो और ज्यादा पूरा नहीं तो थोड़ा हो, थोड़ा जो बचेगा उसको बाद में करेंगे। और वैसे तो प्रयास ये है कि इनके सारे काम होंगे। विधायक जी शायद कह रहे थे कि हम इन बस्ती का भी पूरी तरह से काम करने वाले हैं। ज्यादा कोई हमेशा ये रहता है कि उनको सड़क मिल जाए, पानी मिल जाए और उनकी रहने की व्यवस्था हो जाए। ये सब मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडई बदमाशी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की लोग गरीब आदमी आराम से जीता है। लेकिन मैं आज बंगाली कॉलोनी, नगीना कॉलोनी और इस क्षेत्र में आया हूँ, संजय नगर में, लोग थोड़ा सड़क को लेकर के उसको लेकर के ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही काम हुए हैं, अन्य लोगों ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया है। तो इसलिए थोड़ा सा सुकून ये मिलता है कि हमारे अपने नेतागण काम करते हैं, गरीब के हक में करते हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे यहाँ का प्रदेश का नेतृत्व हो, हमारा ठीक सिस्टम है। और मैं प्रयास करूंगा आज मैं जिन आज और रोज जब भी लोगों से मिलता हूँ कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। आपका नाम क्या है और यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा नाम निर्मला देवी है, हम यहाँ 50-60 सालों से रह रहे हैं और हमको यहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं है और रास्ता नहीं है, सुरजा लाइट नहीं है और क्या नाम कहते हैं पानी की नहीं है सर, समस्या हमको तीन चीज की समस्या है बस। तो आप वोट लेने आते फिर भूल जाते हैं, आते हैं लौट के कोई आते ही नहीं है, फिर क्या करें। हाँ, अब वोट तो हम हर साल देते ही हैं, हर साल नहीं देते, कौन सा भी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।